नमस्कार, मैं डॉक्टर साकेत कुमार, छात्र सूत्र चिकित्सा विशेषज्ञ, आयुर्वेद आचार्य, जनपद सहारनपुर, भारत, स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज के पैनल पर आप सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वालों का स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का मुख्य रोग पाइलोनाइडल साइनस रखा गया है। पाइलोनाइडल साइनस एक मुख्यतः इस तरह की बीमारी होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर जहां से कुल्हे स्टार्ट होते हैं ग्लूटियल क्लेफ्ट होता है। उस क्लेफ्ट के सुपीरियर साइड पर ऊपर के हिस्से पर जहां रीढ़ की हड्डी का लगभग अंत होता है वहां पर एक प्रकार की प्रारंभ में एक फुंसी टाइप की हो जाती है और बार बार सही होती है, बार बार डिस्चार्ज उससे निकलता है। अमूमन हम उसमें ये सोचते हैं ये एक प्रकार का बॉइल है ये या एक प्रकार का फ्यूचर में होने वाला एब्सिस है जिसको हम एंटीबायोटिक की मदद से ट्रीट करते हैं। मित्रों, यहीं पे गलती होती है। एक्चुअली ये एक सबकुटीनियस हेयर फॉलिकुल का इन्फेक्शन है जिसमें प्राय हेयर डोमिनेंट जितने भी मेल या फीमेल होते हैं उनको हेयर फॉलिकल शाफ्ट से टूट जाता है और हेयर फॉलिकल की जो रूट है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि हेयरी बॉडी जिन लोगों की होती है या जिन लोगों का वर्क इस तरह का होता है कि उनको बार बार उस क्षेत्र पर रगड़ बालों से स्किन को होती है तो स्किन को एक प्रकार से इरिटेंट का काम हेयर करता है और उस दौरान वहां पे एक स्किन अल्सर बन जाता है हेयर के फ्रिक्शन से, हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन से और मॉइस्ट स्किन रहने से, ज्यादा पसीना होने से, वर्क हार्ड करने से। इस तरह का जिनका वर्क जॉब है, जिनका फ्रिक्शन रहता है, जैसे बाइक हो, हॉर्स राइडिंग हो, किसी प्रकार का व्हीकल राइडिंग हो, तो उन लोगों में प्राय ये पाया जाता है। हेयर फॉलिकल के रूट में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण वहां पे धीरे 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 एक माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर कंडीशन की तरफ बढ़ते बढ़ते एक एब्सिस बनने शुरू हो जाता है जिसे हम आम भाषा में फोड़ा भी कहते हैं। कभी उससे ड्रेनेज होता है और कभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन धीरे 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 बैक्टीरियल ग्रोथ इतनी होती रहती है कि स्किन के नीचे ही सबकुटेनियस एक रिफिल के समान नाली बन जाती है, उसे हम साइनस कहते हैं। आयुर्वेद में नाड़ी वर्ण के रूप में इसका उल्लेख किया गया है और इसकी चिकित्सा भी कही गई है और जो कि क्षार सूत्र या क्षार कर्म के माध्यम से बहुत अच्छी की कही गई। ये एक प्रकार का शल्य प्रक्रिया है जिसमें ब्लीडलेस किसी प्रकार की रक्तविहीन शल्य किया जाता है, शल्य क्रिया की जाती है। मित्रों, क्षार सूत्र एक सुश्रुत संहिता में क्षार कर्म के निकला हुआ एक माइनर, बहुत ही माइनर जिसे कहते हैं शल्य क्रिया है। क्षार सूत्र के माध्यम से वहां के ड्रेनेज को सतत बनाया जाता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वहां रुक नहीं पाता और धीरे धीरे साइनस को ओपन किया जाता है और क्षार सूत्र के माध्यम से, हीलिंग एंड कटिंग के माध्यम से धीरे धीरे पाइलोनाइडल साइनस को ट्रैक बनाने के बाद क्षार सूत्र लाइगेशन के द्वारा हम उससे निजात पा सकते हैं। अमूमन आधुनिक विज्ञान में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरा जहां तक व्यक्तिगत अनुभव रहा है पाइलोनाइडल साइनस में एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। इससे अंदर की जो पस होती है, अंदर का जो ड्रेनेज होता है वो ड्राई हो जाता है, डेड टिश्यू में होता था लेकिन वो निकल नहीं पाता और वहां एक प्रकार का हार्ट टिश्यू, नेक्रोस टिश्यू या नेक्रोस सिस्ट मरी हुई कोशिकाओं का ग्लैंड टाइप की रह जाती है। जरूरत है उस रास्ते को क्लियर करके,
उस रास्ते को प्रॉपर कटिंग और हीलिंग के बाद साइनस का बेस से ही आप लेकर हीलिंग प्रोसेस छाछ सूत्र के माध्यम से करें। मित्रों, पाइलोनाइडल साइनस ज्यादातर मोटे लोगों में या 40 प्लस लेडीज में बहुत कॉमन मिलता है। तो जिन लेडीज को या जेंट्स का वेट ओवर होता है, उनको पसीना ज्यादा आता हो, उनकी बॉडी हेयरी हो, ऐसे लोगों के लिए पाइलोनाइडल साइनस एक कॉमन और कष्टप्रद बीमारी है। पाइलोनाइडल साइनस को नाड़ी वन आयुर्वेद की दृष्टिकोण से मानकर चिकित्सा करनी चाहिए। एप्सिस के तौर पर आधुनिक विज्ञान में इसका इलाज किया जाता है और इसमें इंसिजन ज्यादा बेटर रहता है एक्सिजन की अपेक्षा, लेकिन वह एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है, एनेस्थीसिया स्पाइनल की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मेरी आपसे यही दरखास्त है, छाछ सूत्र चिकित्सा विशेषज्ञ निकटवर्ती या आयुर्वेद आचार्य को आप दिखाइए और पाइलोनाइडल साइनस जैसी जीर्ण व्याधि, कष्टप्रद व्याधि, जो बार बार इन्फेक्शन होती है, बार बार बवाद निकलती है, कभी कभी तो ये भी देखा गया है नाड़ी वन या साइनस के अंदर बालों का गुच्छा भी पड़ा रहता है, जो वहां पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ग्रो होने के लिए और मॉइस्चराइजिंग होने के कारण एक अच्छा नेगेटिव एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के लिए डेवलप करता है, ताकि उस नेगेटिव एनवायरनमेंट होने के कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। पाइलोनाइडल साइनस को पहचानने का यह तरीका है, कभी कभी यह स्किन पर एक छेद के समान खुला रहता है और जबकि इसका दूसरा जो ओपनिंग होती है वो ब्लाइंड रहती है, सबकुटेनियस रिफिल के समान रास्ता चला जाता है। ये सिंगल रास्ता भी, सिंगल साइनस भी हो सकता है और आगे जाके बाइफर्केट भी ब्रांचेज में हो सकता है। इससे बचाव का एक ही तरीका है, उस क्षेत्र में हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल करिए। जिन लोगों की बॉडी हेयरी है वो हेयर टूटने ना दें, समय समय पर वहां से हेयर रिमूव करें। विभिन्न माध्यम उनके मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत लोशन और क्रीम अवेलेबल है। पसीना ना आने दें, पसीना इकट्ठा ना हो, और सबसे जरूरी बात, स्नान करते हुए, नित्यक्रम करते हुए उस स्थान को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पाइलोनाइडल साइनस एक इस तरह की व्याधि है जो आपको पेन, सूजन और मवाद, यहां तक कि जब मवाद या पस ज्यादा हो जाती है तो एक एब्सिस भी बन जाता है और उसके कारण फीवर के भी आम लक्षण प्राय मिल जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस वीडियो को जारी करते हुए मैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर साकेत कुमार आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी आधुनिक जीवन शैली में विशेष पूंजी है। किसी भी प्रकार की अगर इंक्वायरी हो, लास्ट में और मध्य में और शुरुआत में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके अपने कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।